बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज हम बनाएंगे चिकोलिया। ये महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसे बची हुई रोटियों से बनाया जाता है। मटन को डालकर इसे जब बनाया जाता है तो खिचड़े की तरह इसका जायका लगता है। तो चलिए गर्मा गर्म धुएँदार चिकोलियों को कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। चिकोलिया बनाने के लिए यहाँ पर चाहिए हमें रोटी। तो ये एक दिन पुरानी रोटी है, कल की रोटी है। ये 5 रोटियाँ हैं मेरे पास, कल की रखी हुई थी। तो पहले के ज़माने में इस तरह से रोटियाँ बच जाती थी ना, तो वो लोग क्या करते थे, 5-6 दिन पुरानी भी रोटियाँ होती थी ना, उसे धूप में सुखा कर और फिर उससे चिकोली बनाते थे। लेकिन आजकल कोई बासी रोटी ज़्यादा खाता नहीं है। तो भी आप अगले दिन की रोटी हो तो उससे ये चिकोलियाँ बना सकते हो, या फिर आप इसे ताज़ी रोटियों से भी बना सकते हो। खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। मैंने इसे फ्रिज में रख दी थी, कल बच गई थी। तो अक्सर सभी के घर में रोटियां बच जाती है, तो उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इस तरह से जो मैं रेसिपी बना रही हूँ, ट्रेडिशनल महाराष्ट्र की रेसिपी है ये, तो उस तरह से आपने बना लेना चाहिए। तो चलिए अभी रोटी को मैं साइड में रखती हूँ और आगे की तैयारी कर लेते हैं हम। तो आज चिकोलियाँ मैं गोश्त में बना रही हूँ। तो गैस पर एक कुकर रखा है, यहाँ पर देखिए 400 ग्राम गोश्त है मेरे पास। आप कोई भी गोश्त ले सकते हो, और देखिए गोश्त की क्वांटिटी कम भी हो तो कोई बात नहीं। सिर्फ हम जब इसका सालन बनाते हैं ना, तो इसका जो स्वाद आता है चिकोली में वही काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। तो मैंने गोश्त को धो लियो, इसे डाल देते हैं कुकर में। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज है रफली कटी हुई, 1 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट, छोटा आधा चम्मच है हल्दी पाउडर और नमक है टेस्ट के मुताबिक। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं हम। इसमें मैंने अभी तेल बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ। गोश्त को हमें यहाँ पर बॉईल करना है, उबाल कर ले लेना है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। एक बार मिक्स कर देंगे और गोश्त को हमें पूरी तरह से गलने के लिए पकाना है। कुकर का ढक्कन लगा दूंगी मैं, और 1 सीटी तेज़ आँच पर और मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 सीटियाँ लगा लेनी है। यहाँ पर 6 से 7 सीटियाँ हो गई है। मैंने गैस बंद कर दी थी, अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। ये देखिए गरम है, गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। और ये जो मटन का सूप बचा है ना, गोश्त का सूप, इसी की वजह से हमारे चिकोलियों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसीलिए इसको में थोड़ा पानी ज़्यादा डालना है और गोश्त को पूरी तरह से गला लेना है। तो अभी इसे साइड में रखते हैं हम और चिकोलिए का मसाला तैयार कर लेते हैं। गैस पे एक कढ़ाई रखी है, उसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, कुछ खड़े गर्म मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर 1 छोटा तेज़पत्ता है, 3 लौंग है, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा है, 8 से 10 काली मिर्ची और 1 चम्मच जीरा है, ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसे तेल में फ्राई कर लेते हैं तो खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। खड़े मसाले फ्राई हो गए, अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज। तो मैंने प्याज को बारीक बारीक काट ली हूँ, इसे हमें अच्छे से गोल्डन करके फ्राई कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए प्याज हल्की सुनहरी हो गई है। इस टाइम पर डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी, इससे खुशबू अच्छी आती है। तो अगर है आपके पास तो डाल दे, वरना इसके बिना भी आप बना सकते हो। गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे ताकि प्याज हमारी जले नहीं और कसूरी मेथी भी अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाए। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच फुल भर के ली हूँ मैंने। अदरक लहसुन को थोड़ा फ्राई कर ली, अब डालूंगी मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए। इसे थोड़ा सा हम अच्छे से नरम कर लेते हैं टमाटर को अदरक लहसुन प्याज के साथ। 1 से 2 मिनट के लिए बस इसे मीडियम फ्लेम पर हम थोड़ा सा नरम होने देते हैं। इस तरह से चम्मच में चलाते रहूँगी। ये देखिए टमाटर थोड़े नरम हो गए हैं, अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे हम। तो 1.5 चम्मच है ये लाल मिर्च का पाउडर, ये बहुत ज़्यादा तेज़ वाली मिर्ची नहीं है। आगे हम हरी मिर्च भी डालने वाले तो उस हिसाब से डालें। और ये जो चिकोलियाँ होती है ना, तो उसमें पानी ज़्यादा डाले जाता है, क्योंकि चिकोलियाँ जो रोटी डालते हैं ना हम, तो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मसाले थोड़े से उठावदार डालना है हमें, ताकि टेस्ट फीका ना लगे।
डेढ़ चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर, आधा चम्मच है गरम मसाला पाउडर, नमक है आधा चम्मच, हमने गोश्त गलाते टाइम पे भी नमक डाला है तो नमक देख कर डाले, खारा ना हो जाए इसके लिए, आधा चम्मच है हल्दी पाउडर। तो ये सभी मसाले डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसे फ्राई कर लेंगे और मसाला जले नहीं, इसके लिए हम डालेंगे मटन का थोड़ा सा सूप। ये जो मटन का सूप है थोड़ा थोड़ा डाल के हम मसाले को भून लेंगे, तो 2 से 3 चम्मच डाल रही मैं। मटन के सूप की वजह से ही बहुत अच्छी चिकोली में टेस्ट आता है। थोड़े से पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं, इससे भी खुशबू बहुत अच्छी आती है और खाने में अच्छा लगता है। मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है हमें। कच्चा मसाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो अगर मसाला जलने लगे तो जो गोश्त का सूप है वो थोड़ा थोड़ा डाल के हमें मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है। मसाले में से तेल पूरी तरह से ऊपर आ जाए वहाँ तक हम मसाले को भून लेंगे। मसाला जल रहा है तो थोड़ा सा गोश्त का सूप डाल रही मैं। मसाला यहाँ पर धीमी आंच पर भून रहा है, वहां तक रोटियों को भी बता देती हूँ मैं। तो सभी रोटियां ले लिए मैंने, उसे एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे हम, छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देना है। ये देखिए इस तरह से टुकड़े कर लेने हैं सभी रोटियों के। सभी रोटी के देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अब इसे हम 10 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखेंगे। तो ये नॉर्मल पानी ली हूँ मैंने। अगर आपकी रोटी ज़्यादा बासी है, 4-5 दिन पुरानी है, तो पहले एक बार आपने इस तरह से पानी डालकर इसे धोकर निकाल लेना है। लेकिन ये कल की रोटी है इसीलिए मैं इसे भिगा कर रखूँगी, सिर्फ धोगी नहीं। तो देखिए मैंने 2 ग्लास यहाँ पर पानी डाल दी हूँ, अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये रोटी थोड़ी नरम पड़ जाए। जब रोटी नरम पड़ती है तो इसकी चिकोलियाँ बहुत अच्छी बनती है। तो अभी इसे साइड में रख देती हूँ और मसाले को देख लेते हैं हम। ये देखिए मसाला भी वहाँ तक बहुत अच्छी तरह से हमारा भुन चुका है, मसाले में से तेल पूरी तरह से ऊपर आ गया है। अब डालेंगे इसमें बॉईल किया हुआ गोश्त हमारा, तो सभी गोश्त को डाल देती हूँ मैं स्टॉक के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गैस की फ्लेम तेज़ कर देंगे हम, इसे अच्छे से मिला देंगे एक बार। और अब रोटियों के हिसाब से हमें इसमें पानी डालना है, क्योंकि जो रोटियां हैं इसमें पानी डालने के बाद सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो थोड़ा पानी यहाँ पर ज़्यादा ही डालना है हमें। तो यहाँ पर मैं पानी डाल देती हूँ, 3 गिलास भर के मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। ये 3 गिलास मैंने पानी डाल दी हूँ। पानी हमें यहाँ पर ज़्यादा ही डालना है क्योंकि रोटियाँ अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उस हिसाब से आपने पहले से ही थोड़ा पानी ज़्यादा डाल देना है। इसमें मैं 2 हरी मिर्च को इस तरह से काट कर डाल रही हूँ। अब ये पानी में अच्छी तरह से उबाल आने देते हैं हम 5 से 6 मिनट के लिए। यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए। देखिए मटन का जो हमने सालन बनाया है, गोश्त का सालन, उसमें बहुत अच्छी तरीके से उबाल आ गया है। तो उबाल आने के बाद ही इसमें रोटियों को डालना है हमें, गोश्त का, पुदीने का, अदरक लहसुन, टमाटर और सभी चीज़ें जो भी हमने डाली है ना, पूरी तरीके से ये पानी में अच्छा सा उसका फ्लेवर आ चुका है। और देखिए यहाँ पर रोटियाँ भी हमारी अच्छी तरह से भीग चुकी है, ये देखिए नरम हो गई है, ये देखिए। तो इसीलिए इसे 10 मिनट भिगा कर रखना है। अब इसे हम पानी निचोड़ कर इसमें डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सभी रोटियों को मैं डाल देती हूँ, ये देखिए इस तरह से पानी निकाल कर डाल देना है। तो मेरे पास यहाँ पर 5 रोटियाँ थी ना, इसीलिए मैंने 3 ग्लास फुल भर के पानी डाली और गोश्त का स्टॉक भी था उस हिसाब से। अगर आप 2 या 3 रोटी से बना रहे हो तो थोड़ा पानी कम डाल सकते हो, अगर रोटियाँ ज़्यादा है तो थोड़ा पानी आपने ज़्यादा डालना। अगर फिर भी पकते टाइम पर आपको लगे कि पानी कम है तो आप इसमें थोड़ा गर्म पानी करके डाल सकते हो, पानी का कोई ऐसा ये नहीं है, सिर्फ इतना है कि पानी अच्छी तरह से इसमें ज़्यादा ही चाहिए ताकि रोटियां पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो खाने के टाइम पर थोड़ा ढीला भी रखना चाहिए, सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है क्योंकि रोटियाँ हमारी बहुत अच्छे से नरम हो गई है।
बस ये जो सूप है मटन का, गोश्त का सालन है, उसका सारा टेस्ट हमारी रोटियों में भी आ जाए। तो एक बार मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। रोटी हमारी यहाँ भले ही कल की है, बासी रोटी है, लेकिन जब इसको बनाते हैं ना हम, तो बिल्कुल खिचड़े की तरह इसका स्वाद आता है, टेस्ट लगता है खाने में। तो आपकी भी रोटियाँ बची हो तो आपने इसे ज़रूर बनाकर देखना, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा जायकेदार बनती है। यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए हैं, ये गोश्त वाली चिकोलियाँ हमारी बनकर तैयार है। ये देख सकते हो आप, पूरी तरह से पक चुकी है और इसे अब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इस तरह से थोड़ा सा रसा दिख रहा है ना आपको, बस इसी तरह से रखना है, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडी होते जाती है वैसे वैसे गाढ़ी होते जाती है, रोटियाँ सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और गर्मा गर्म ये गोश्त वाली चिकोलिया को हम डिश आउट कर लेते हैं। इसके ऊपर नींबू डालकर खाया जाता है, हरा धनिया डालकर खाया जाता है, पुदीने के पत्ते बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हो, क्योंकि कच्चे पुदीने का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसे ज़्यादा करके गर्मा गर्म ही डिश आउट करना है, तो बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी और लाजवाब लगती है। तो अगली बार जब भी आपकी रोटियां बचे तो आपने उसे वेस्ट नहीं करना है, इस तरह से गोश्त की चिकोलियां बना लेना है। तो ये खाने में आपको बिल्कुल खिचड़े की तरह लगेगी, क्योंकि जिस तरह से हमने इसमें मसाले डाले हैं, पुदीना वगैरह डाला है, तो खिचड़े की तरह इसका जायका लगता है। और इसके ऊपर नींबू डालकर खाते हैं तो बहुत ही जायकेदार लगती है।